So very commonly we see the children in their early years of life, say 1 year, 2 years, when they start walking and they keep running around. So children are always more prone to injuries at home. Okay. So right now I'll try and focus on how to manage these injuries at home, the first aid, before you take the child to the doctor. So my purpose is not that everything can be managed at home, but at least minor injuries or first aid should happen in the right way at home, and it makes the work of the doctor also a little easier. Now let's talk about, say, first we take an example of a fall and followed by a head bump or a head injury. Now it is very, very important. This is one situation where parents tend to panic a lot. Ki bachcha bed se gir gaya aur stairs se gir gaya aur sir ke upar ek chota ek bump aa gaya aur a cut aa gaya jahan se bleeding ho rahi hai. Okay, now remember, this is very, very important. If agar head pe kahin par bhi bump aaya hai, kahin bhi sujan aayi hai, to sujan ko kam karne ka tarika is only one, that is pressure. So if there is a head swelling, when a child has fallen, there is an injury, if you have noticed the swelling, so at least put a pressure bandage. So wo hum ek hanky leke, rumal leke acche se tight karke bandh sakte hain, or we can take a bandage and put a tight bandage on the head so that the swelling does not increase. पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि जी चोट लगी है तो उसको उस पर हल्दी का सेक लगाओ, गरम गरम तेल लगाओ. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर भी चोट लगी है, स्वेलिंग आ रही है, इट इज़ अंडरलाइंग स्किन में कुछ ब्रीच हुआ, कहीं ब्लीडिंग हो रही है छोटा सा, जैसे नील पड़ गया. नील पड़ना इज़ ब्लीडिंग अंडर द स्किन. सो द ओनली वे टू रिड्यूस इट इज़ नॉट वार्म कंप्रेस और हॉट कंप्रेस, इट हैज़ टू बी आइस पैकिंग. सो हम बोलते हैं कि उससे ठंडे और बर्फ की सेकाई करो, जिससे कि आपकी स्वेलिंग जो है फोरहेड पे बच्चे की वो कम होगी. जितना हम उसको गर्म चीज से सेकाई करेंगे, उतना वो स्वेलिंग और इंक्रीज होने के चांस होंगे. सेकंड, अगर कहीं पर कट लग गया है, से फोरहेड पे और हेड पे, और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी इज पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं एंड द चाइल्ड इज एक्टिवली ब्लीडिंग, विच बाय द टाइम बच्चा जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा या इमरजेंसी में पहुंचेगा, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो चुका होगा. सो द ओनली वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज प्रेशर. जहाँ पर भी चोट लग गई है, वहाँ पर कोई भी एक साफ कपड़ा रख के या कॉटन पैड रख के उसको प्रेशर दे के ब्लीडिंग को रोकना होता है. 5 मिनट के लिए अगर हमने उस एरिया को प्रेस करके रखा हुआ है, ब्लीडिंग टेंड्स टू स्टॉप. अगर हम उसको देखते रहेंगे तो ब्लीडिंग कॉमनली चलती रहेगी. द सेम प्रोसेस हैपन्स वेन देर इज नोज ब्लीड. नाउ नोज ब्लीडिंग में कॉमनली वी सी इज कि नोज ब्लीड कर रहा है एंड पेरेंट्स बच्चे को लेके इधर उधर परेशान हो रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि आप पीछे करके लेट जाओ, सो दैट जो ब्लड है वो बाहर नहीं आएगा. नाउ अगेन दैट इज रॉन्ग. इफ देर इज नोज ब्लीड विच इज हैपनिंग, विच मोस्ट कॉमनली हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा. सो बच्चे नाक में उंगली मार के उसको छेड़ देते हैं या कुछ भी इंजरी करेंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है. ब्लीडिंग हैज टू बी स्टॉप्ड बाय प्रेशर. सो वी हैव टू पिंच द नोज सो दैट एंड प्रेस इट फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स सो दैट ब्लीडिंग स्टॉप्स. सेकेंड, अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपने नोज पिंच कर लिया है, तो भी बच्चे को पीछे करके नहीं लेटाना है, बिकॉज ऑल दैट ब्लड फ्रॉम द नोज विल ट्रेवल थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द स्टमक. वो पेट में इरिटेशन करेगा, बच्चा वॉमिट करेगा और फिर उस वॉमिट में ब्लड दिखेगा, पेरेंट्स और पैनिक करते हैं. सो बेस्ट थिंग इज बच्चे का हेड शुड बी फ्रंट, नोज पिंच, और that will take about 3-4 minutes for the bleeding to stop. The next point is, once the bleeding has stopped, jahan par bleeding hui wahan par ek crusting ban jati hai, and the moment crusting banegi wahan irritation hogi, bachcha usko phir chhedega, phir bleeding ke chances badh jate hain. So jahan par bhi ek bar nose bleed ho gaya, we put saline drops in the nose taki nose ko moist rakha jaye, so that bleeding irritation nahi ho aur usse bleeding kam hone ke chances ho jate hain. So these are important points which we need to take care as far as the nose bleed is concerned. Third important thing, suppose bachcha gir gaya aur kisi arm mein chot lag gayi, fracture ho gaya, aapko dikh raha hai obvious deformity hai, child is crying in pain. So it is very, very important, agar koi bone fracture hai, agar haddi tooti hai, to usko jitna hum immobilize kar sake utna better hai. Usko manipulate nahi karna hota hai, bas uske aas pas koi bhi ek hard cheez rakh ke uske upar agar hum ek कोई भी क्लॉथ या बैंडेज बांधे ताकि वो इमोबाइल हो जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट.
before we take the child to the hospital. Second, swelling wali part pe again cold compresses, so we can put ice pack taki at least wahan se bacche ko pain jo hai wo kam ho. We can give a painkiller in which paracetamol is the safest painkiller to give to a child at any given point of time at home. Fourth common injury what we see is burns. Now it is very very important, agar kisi bacche ke upar garam pani ya chai ya doodh gir gaya hai and a significant area is burned, the best thing to do at home is put lots and lots of water. Commonly aapne dekha hoga ki people will say apply toothpaste or apply this, it will give a soothing effect. All these will tend to cause more injury to the overlying skin. जितना हम उसको वाटर से धोते जाएंगे उतना इंजरी जो है वो उसके इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स वुड बी लेस सीवियर. कौन सा बर्न माइनर है कौन सा बर्न मेजर है दैट ओनली टाइम टेल्स. सो राइट ऑन द फर्स्ट गो प्रिडिक्ट करना कि कौन सा बर्न सीवियर होगा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वी हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक अगली लुकिंग बर्न टर्न्स आउट टू बी अ माइनर बर्न, वेयर एज अ माइनर लुकिंग बर्न turns out to be a major burn. So best is to put lots of water, cover it with a clean cloth and get the child to the hospital as early as possible. We can give a painkiller again which for which paracetamol is the safest painkiller to give.